हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो देखिए, सब नकी बालकनी से उठा के लाई थी जो पौधा, कितना अच्छा ग्रोथ हो गया है उसका देखिए। और ये देखिए, छोटा पर्सलन में कितना सुंदर रोज फ्लावरिंग होता है, इसमें भी मॉर्निंग ग्लोरी निकल रहा है देखिए। और आज मेरा टॉपिक फ्लावर पर नहीं है फ्रेंड्स, किचन गार्डनिंग पर है। अगर हम लोग चाहें तो अपने किचन से ही निकले कितने चीज़ों से गार्डनिंग कर सकते हैं। गार्डनिंग कोई बड़ा चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, बस मेहनत लगता है और केयर करना पड़ता है। और जो कम बजट में गार्डनिंग करना चाहते हैं वो आराम से कर सकते हैं देखिए गार्डनिंग का। और घर में कंपोस्ट बनाना कितना अच्छा है उसका रिजल्ट मैं अभी आप लोग से दिखा रही हूँ। देखिए, इसमें मैं लेडी फिंगर तो लगाई थी फ्रेंड्स, और एक खीरा का प्लांट लाई थी जो कि ख़राब हो गया है देखिए। लेकिन देखिए आप, नेचर गार्डनिंग का कितना फ़ायदा है। और अपने किचन से ही देखिए, जो भी गिरता है साफ़ सफाई में मैं ला के इसमें डाल देती हूँ। और ये सब साग तो बिन मतलब का ग्रो हो रहा है, मैं सब हटाऊँगी। और देखिए, इधर लेडी फिंगर लगाई थी मैं, लगभग 5-6 दिन हो गया लेकिन अभी ज़्यादा नहीं निकला है। और ये देखिए, ये खुद से जो घर में बरबटी आता है उससे निकला है, मैं बिल्कुल भी नहीं लगाई हूँ इसको। आज मैं यही सब आप लोग से दिखाऊँगी। और देखिए, ये मैं 2 बैंगन का पौधा लाई थी खरीद के, तो इसमें फ्लावरिंग होने लगा, तो एक दिन मैं इसको पिंचिंग कर दी देखिए, तो कितना ब्रांच आ गया। और ये देखिए, कल मेरा किचन में काफ़ी साफ़ सफाई के दौरान मेथी ये सब मेरे से गिर गया था, तो मैं नीचे का अब क्या उठाऊँ तो ला के डाल दी। और आप लोग से दिखाना भी था कि अभी भी हम लोग कर सकते हैं ये सब काम अगर ज़्यादा बारिश नहीं हो रहा है तो। ये देखिए, एक मदर प्लांट मैं पिछले जुलाई में लाई थी फ्रेंड्स, और इससे कितने कटिंग बनाई हूँ मैं। ये देखिए, एक मैं फ्लावर से ये सदाबहार लगाई थी 3 साल पहले, आज मेरे पास सैकड़ों प्लांट इसका हो गया है। ये देखिए पर्सलन, और ये सब साग जो देख रहे हैं मैं बिल्कुल लगाए नहीं हूँ, क्योंकि ये सब जो साग आता है बाहर से उसी से निकल जाता है या नर्सरी से। ये देखिए, पिछले साल ये पुत्री का व्रत परे आया था, हर साल हम लोग को ही ज़रूरत पड़ता है। और ज्योतिया के दिन काफ़ी इसका महत्व रहता है, ये 200-200 रुपये के जी मिलता है, तो ये हाइब्रिड है देखिए। और मैं यही चीज़ खोजती हूँ जो कि काफ़ी फैले नहीं, देखिए हाइब्रिड है, ये कभी इसमें बेल नहीं बनेगा। आप इसका ऊपर के टिप काट के साग बना सकते हैं तो फिर और घना होगा। और देखिए, किचन गार्डनिंग का मैं फ़ायदा बता रही हूँ, आज मैं काफ़ी कुछ देखी हूँ फ्रेंड्स इसमें, तब मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए, कभी मैं टमाटर का सीड नहीं लगाती हूँ, ये आप लोग जानते हैं। देखिए, इस मौसम में भी मेरे पास नर्सरी में मैं गई थी लेने कि थोड़ा सा इस बार अच्छा क्वालिटी का लाऊं, लेकिन नहीं मिला था। लेकिन देखिए, मेरे घर में ये सब टमाटर निकल रहे हैं। ये देखिए 4 o'clock, 1-2 कटिंग मैं कहीं से लाई थी और उसमें 1-2 सीड था, देखिए आज मेरे पास सैकड़ों हो गया है। मैं सोचती हूँ कि कहाँ लगाऊँगी। ये देखिए छोटे छोटे डब्बे, ये देखिए एक पिछले साल पतला पतला सा कटिंग ला के मैं इसका 10 कटिंग लगाई थी, ये वीडियो भी मैं डाली थी फ्रेंड्स। और देखिए, 2 कटिंग ख़राब हो गया था, लेकिन अभी इस मौसम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो गया है इसमें। देखिए, मैं इसको हटाने वाली थी तब तक इसमें लिप दिख गया। इतना सुंदर है नेचर गार्डनिंग कि आप करते रहिए। और ये देखिए, और फ्रेंड्स इतना प्लांट को केयर करने में मैं काफ़ी बीमार पड़ जाती हूँ, काफ़ी दवाइयाँ खा के ये सब करती हूँ। घर में डांट भी बहुत मिलता है कि ये सब छोटे छोटे बॉटल ये सब फेंको तुम। और अभी भी मैं कितना कबाड़ जुगाड़ की हूँ आप लोग देखेंगे, सिर्फ अपना एक फैमिली से ही मैं इतना सब कुछ रख लेती हूँ, कर लेती हूँ। देखिए इधर देखिए ये सब साग, और ये देखिए ये सब साग भी है। और देखिए, 5-6 दिन पहले कुछ कटिंग लगाई थी, मैं वीडियो भी आप लोग से शेयर की थी। और देखिए, और ये देखिए जो हाइब्रिड पोए मैं अभी आप लोग को दिखाई, उसका बहुत सारा सीड और इसी में वो लगा था, उसमें तो गलती से लग गया है, लेकिन देखिए अपने से खुद जर्मिनेट होने लगा सीजन आने पर। तो फ्रेंड्स, ये सब हम लोग को गार्डनिंग करने पर मजबूर कर देते हैं। देखिए, ये देखिए बैगन, ये तो मैं 2 खरीद के लाई थी, मेरे पास कोई ऐसा बनावटी चीज़ ये सब मैं नहीं दिखाती हूँ। और आज भी मैं बहुत, देखिए मॉर्निंग ग्लोरी, ये देखिए मेरा पारिजात कितना सुंदर ग्रोथ में आ गया है। और गार्डनिंग का फ़ायदा मैं अभी आप लोग से दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए, ये इसका नाम भी मैं अभी नहीं जानती थी, अभी भी काफ़ी सर्च कर रही हूँ तो अलग अलग नाम आ रहा है। देखिए, ये इसमें हल्दी लगाई थी मैं, अभी जब इसमें हल्दी ग्रो हुआ तब मुझे याद आया कि इसमें हल्दी लगाई थी, शायद फरवरी या मार्च में। और देखिए, हल्दी निकलने लगा,
और इसी में ये प्लांट खुद से निकला है और इसका इतना ज़्यादा ग्रोथ है इसमें। देखिए कल इसमें मैं नीम का लिक्विड डाली, नीम का जो लिक्विड बनाई थी, और इसमें देखिए कितना टमाटर मिर्चा ग्रो हुआ है। और मैं इतना ही सब लगाना नहीं चाहती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन इतना अच्छा निकल जाता है ये सब कि खुद से देखने में ही कितना अच्छा लगता है। देखिए और इतना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है, इसमें इतना ज़्यादा फ्रूट बना है, आप लोग खुद काउंट कर सकते हैं कितना बचेगा नहीं बचेगा ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हर इसका हर ब्रांच में बना हुआ है। देखिए आप लोग गार्डनिंग का कितना फ़ायदा है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी क्या करने आई हूँ यही मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और देखिए फ्रूट, अगर आप लोग का गार्डन में हो तो बताइएगा कि है क्या, ऐसे कभी जुगनी आ रहा है, कभी खीरा ककड़ी, तो ये नहीं है खीरा ककड़ी का ही कोई वेराइटीज है ये देखिए। और ये देखिए सब सदाबहार खुद से निकल रहे हैं, ये देखिए सदाबहार, जो भी मेरे घर में टूटे फूटे होते हैं सब में लगा देती हूँ, जब कलर कर दूँगी तो सब सुंदर लगने लगेगा। ये देखिए पिंक कलर का मॉर्निंग ग्लोरी, और एक बोरी ख़राब हो गई थी तो मैं इसका बना दी, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, एक एक वीडियो मैं चैनल पर डाली हूँ। इधर सब राई वही सब इधर भी लगाई हूँ, देखिए कितना ज़्यादा सदाबहार निकल रहा है। और ये देखिए मैं क्या दिखाने लाई हूँ आप लोग से, ये देखिए घर में जो बैंगन आता है, और घर से ही हम गार्डनिंग कर सकते हैं। देखिए ये नर्सरी का सीड है, जो कि एक दो ही दो पैकेट में एक दो ग्रो हुए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं पैसा बर्बाद करने से, मैं यही आप लोग को बताऊंगी। और देखिए ये कभी पम्पकिन आया था तो उसका सीड मैं रखी थी, अगर इस सीज़न में हम लगा देते हैं तो इसका पत्तियाँ मुझे काफ़ी पसंद है, तो आज मेला है तो मैं लगा दे रही हूँ। देखिए सौंफ है, कल सब मैं छीट के गई थी, काफ़ी धूप था इसलिए वीडियो नहीं बनाई। और ये देखिए भारत का बैंगन, जो गोल वाला बैंगन आता है ना फ्रेंड्स, वही है, इसमें इतना ज़्यादा सीड था कि मैं एक बैंगन को काट के फेंक दी और उसका सीड निकाल दी, तो इसमें कुछ ना कुछ जर्मिनेट हो ही जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस ला के रख देना है, और इसमें से एक दो तो पौधा ज़रूर जर्मिनेट हो जाएगा। देखिए तो किचन गार्डनिंग बहुत अच्छा है। देखिए मिर्च मैं लगाती नहीं हूँ, लेकिन जो सड़ा वाला मिर्च होता है ये सब मैं कंपोस्ट में डाल देती हूँ, तो ये मैं अपने घर आने जाने वाले लोगों में से जो लोग मांगते हैं तो मैं उन लोगों को दे देती हूँ, खुश होकर ले जाती हूँ। और ये देखिए एक कुंदरी ख़राब हो गया था, पक गया है, तो इसका सब्ज़ी तो बनेगा नहीं, तो इसका मैं किसी कंपोस्ट में डाल दूँगी या जिसमें मुझे यूज नहीं करना है, जैसे देखिए ये है, तो इसको ढक दूँगी, कभी ना कभी इसका प्लांट निकल जाएगा। तो ये होता है किचन गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग का मतलब यही है फ्रेंड्स, ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा खर्च करें, और ये निकलेगा तभी भी ठीक है, नहीं निकलेगा तभी भी ठीक है। देखिए और ये हाइब्रिड मेरा ऑरेंज में से एक अर्क निकला था, देखिए हर हाइब्रिड में ये रहता है, अगर यही रहता है तो पूरा प्लांट को ख़राब कर देता है। चलिए मैं और भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा अपना गार्डन का अपडेट, देखिए कितना प्यारा लग रहा है सब, सुबह सुबह हरा भरा एकदम। मैं अभी पानी डालने आई हूँ, इसलिए मैं टेरिस पे ज़्यादा पौधा नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभालना पड़ जाता है। देखिए ये छोटा छोटा कटिंग कितना सुंदर सुंदर फ्लावरिंग करने लगा है, और इसका भी मैं कुछ और बनाने को सोची हूँ। चलिए मैं आप लोग को अपना और गार्डन दिखाती हूँ, ये देखिए जो कटिंग लगाई थी इसमें अभी आज फ्लावरिंग नहीं हुआ है, इधर देखिए सब खुद से ग्रो हो रहा है। ये देखिए भिंडी, इतना लगाने के बाद एक एक तो कहीं कहीं ग्रो हो रहा है, इसमें देखिए मिर्च भी निकला हुआ है, तो मिर्च तो मैं ज़्यादा नहीं लगाना चाहती हूँ। ये देखिए इधर ये मॉर्निंग ग्लोरी है, और ये भी पता नहीं क्या चीज़ का पौधा है निकला है, तो मैं भी रहने दे रही हूँ उसी में। इधर देखिए सब काफ़ी अच्छा ग्रोथ में आ गया मेरा एक जोड़ा, और ये सब तो मैं सब पॉट में हटाऊँगी। देखिए कहीं कहीं भिंडी निकलना शुरू हुआ है, तो बारिश ही नहीं हो रहा है तो क्या निकलेगा पौधा, बस जो मैं पानी डालती हूँ उसी से हो रहा है। देखिए कितना सुंदर है, देखिए ये फर्टिलाइजर डालने के बाद अलमंडा का ग्रोथ देखिए कितना प्यारा हो गया, एक जोड़ा खिलने वाला है। और ये है मेरा डबल लेयर वाला हिबिस्कस और ये चांदनी, सब फर्टिलाइजर डालने के बाद काफ़ी अच्छा ग्रोथ में आ गया। और ये देखिए इसमें एक पौधा निकला है, ये इसको मैं हटाऊँगी, देखिए पानी नहीं डाली हूँ तो पौधा का क्या हालत हुआ है मधुमालती का। इधर सब अच्छा ग्रोथ में आ गया फ्रेंड्स, देखिए
इसका नहर देखिए कितना कलियाँ बना लिया है। अभी पानी डालने आई हूँ, डाली नहीं हूँ, इसलिए सब सूखा पड़ा है। देखिए कितना ये सब कटिंग में कितना अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है। देखिए काफ़ी धूप हो जाता है 8 बजे। देखिए 8 बजे लगभग मैं आई हूँ और देखिए फूल का हालत इसी टाइम लगता है सब मुरझाया हुआ दिख रहा है। देखिए देखिए एक मोगरा इधर है और ये देखिए चांदनी का ही कटिंग है। देखिए कितना अच्छा ग्रोथ में है। इसमें पूरा कीड़ा लग गया था इसमें, इसलिए मैं साइड कर दिया मेरा क्रीम कलर वाला हिबिस्कस है। ये देखिए कटिंग है, सब कटिंग है। देखिए ये चांदनी का कटिंग ही है। देखिए फ्रेंड्स और ये देखिए मेरा चंपा कितना अच्छा ग्रोथ में हो गया है, लेकिन चांदनी लगने से इसमें ये पूरा दिखता नहीं है। इसमें 2 प्लांट हो गया है। देखिए एक कटिंग छोटा छोटा पिछले साल का कितना बड़ा हो गया है। तो अभी तो मैं नहीं हटाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा पॉट है। और देखिए बहुत सुंदर है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अब वीडियो को बंद कर रही हूँ। थैंक यू।